दोस्तों इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में टेस्ट मैच की पहली पारी में कुल 5 विकेट चटकाए। देखा जाए तो टेस्ट मैच का शुरुआती दिन विवाद से भरा हुआ रहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जडेजा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं रविंद्र जडेजा पर कौन सा गंभीर आरोप लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना भूलें। तो दोस्तों और भी समय लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से पहला सीरीज नागपुर में खेला गया था, लेकिन दोस्तों पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने आउटलेट फॉक्स क्रिकेट ने जडेजा से जुड़ी एक क्लिक शेयर किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान सवालिया निशाना जारी करने वाला मामला सामने आया है। फोटो में आप देख सकते हैं कि रविंद्र जडेजा गेंद फेंकने से पहले अपने साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कोई बम जैसी चीज लेकर अपनी उंगलियों में लगा लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी के नियम के अनुसार गेंदबाज या फील्ड की ओर से गेंद पर कुछ भी लगाना मना है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, रविंद्र जडेजा ने क्या सच में गेंद के साथ छेड़खानी की है या नहीं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।